Assalamualaikum students, welcome to the Bright Future Academy. Today we are going to study chemistry and its branches. What is chemistry? Chemistry is also a branch of science, as we discussed previous. Biology, chemistry, physics, mathematics, computer, etc.

वो किन चीज़ों से मिलकर बना है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं खूसियात क्या हैं उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके रिएक्शंस क्या हैं मैटर क्या है मैटर हर उस चीज़ को बोला जाता है विच अकोपाई स्पेस एंड हैव सम मैफ जो कुछ जगह भी घेरता है और कुछ वज़न भी रखता है उसको क्या बोला जाता है मैटर मैटर के तीन टाइप्स हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस केमिस्ट्री में हम इन तीनों टाइप्स की कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस को स्टडी करते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपने इसको ऐसे ही तैयार करना है नेक्स्ट इज द ब्रांचिज ऑफ केमिस्ट्री फॉर आवर कन्वीनियंस टू स्टडी द केमिस्ट्री इन डिटेल द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द केमिस्ट्री इन टू इट्स फर्दर ब्रांचिस सो द फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री द वर्ड फिजिकल रिलेट्स टू द फ़िज़िकल अपेरेंसीज वो किसी भी चीज़ की खसूसियात जो हमें बााहर तौर पर नज़र आए उसको हम फ़िज़िकल बोलेंगे या फ़िज़िकल अपेरेंस या फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं इट मीनस फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्या कहलाएगा फ़िज़िकल कैमिस्ट्री फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वाटर इज़ अ लिक्विड लिक्विड आर लिक्विडिटी इज़ वाटर्स फ़िज़िकल करस्टिक वो पानी की खसूसियत है जो हमें बजहर नज़र आ रही है कि वाटर क्या है लिक्विड है फॉर एग्ज़ाम्पल अ बुक इज़ सोलिड एक किताब अगर हमें सोलिड नज़र आती है इट मीनस वो जो सोलिडिटी है वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही है फॉर एग्जाम्पल इफ नेचुरल गैस आर सी एच फोर मिथेन इज अ गैस देन इट्स इट्स इज अ गैस ड्यू टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज वो गैस है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से तो मैटर कि हम सारी डिफरेंट काइंड को इसमें स्टडी करेंगे देन द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है द डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसमें भी हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के वो मैटर चाहे वो लिक्विड सोलिडर गैस है वो किन अशिया से मिलकर बना है किन मालिक्यूल से मिलकर बना है उसकी कंपोजिशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसकी फिजिकल अपरेंस कैसी है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनमें कैसे कैसे चेंज आ रहे हैं चेंज कैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ लिक्विड नेचुरली इट एज एग्जिस्ट वाटर एक लिक्विड है लेकिन जब हम उसे हाई टेम्परेचर देते हैं तो वही लिक्विडिटी या लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है इन टू गैस इट मीन्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज फ्राम लिक्विड टू गैस न इफ़ वी फ्रीज आर कोल्ड वाटर ऑन वेरी लो टेम्परेचर तो वो फ्रीज हो जाता है या इट कन्वर्ट इंटू सॉलिड आइस इट मीन्स द फिजिकल करैक्टर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इंटू सॉलिड आइस तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई लिक्विड से सॉलिड में तो ये जो चेंज हैं इनमें इस सब को भी स्टडी करने को क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री देन द केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल और नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड्स जो कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं उनके स्टडी को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन को कलेक्टिवली बोलते हैं हाइड्रोकार्बन मतलब कि इसमें कार्बन मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं एंड हाइड्रोजन मालिक्यूल भी मौजूद हैं एंड देयर डेरीवेटिव डेरीवेटिव मीन्स वो मालिक्यूल्स जो किसी मालिक्यूल से मज़ीद डिराइव किए हों निकाले गए हों फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिक मालिक्यूल और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ सी सिक्स एच और सी एच फोर मिथेन सी एच फोर इज़ naturally ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कम्पाउंड सी एच को क्या बोलते हैं मिथेन इसमें कार्बन भी मौजूद है एंड हाइड्रोजन भी मौजूद है तो इट मीन्स ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है ये जो मैंने फार्मूला लिखा सी सिक्स ट्वेल्व ओ सिक्स ये फार्मूला किसका है ग्लूकोज का ग्लूकोज इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेरिवेटिव है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्योंकि इसमें कार्बन तो मौजूद है हाइड्रोजन भी मौजूद है लेकिन उसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम जस्ट स्टडी करते हैं उन मालिक्यूल्स को उन कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, लेकिन डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं तो डेरिवेटिव से मुराद वो मालिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद हो लेकिन उसके साथ भी कोई कुछ मालिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड अकड़ नेचुरली एंडसो इन द लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और इनको हम लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं लेबार्ट्री में कैसे जैसे मेडिसिन बनाई जाती हैं इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में भी सेंथिसाइज करवाया जा सकता है देन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली द अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं उन कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों या उनके डेरिवेटिव्स। बट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल स्टडी ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कम्पाउंडस एक्सेप्ट डोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन इसमें हम सिर्फ उन कंपाउंडस को स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं हैं और उनके डेरीवेटिवस को भी हम इसमें स्टडी करेंगे फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक

कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं हैं उन सब को हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे मैंने जितनी भी ब्रांचेज आपके साथ अभी तक शेयर की आपने इनके अलावा कोई एडिशनल चीज़ इन ब्रांचेज में ऐड नहीं करनी आपने कोई एडिशनल एग्जांपल ऐड नहीं करनी आपने इन ब्रांचेस के स्कोप और एप्लीकेशंस भी याद नहीं करने क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जामिनर जस्ट आपसे इनकी डेफिनेशन पूछता है तो आपने बस इसकी डेफिनेशन ही याद करनी है स्कोप या एप्लीकेशंस uh, या एग्ज़ाम्पल्स आपने किसी की भी तैयार नहीं करनी क्योंकि पेपर uh, के हवाले से उसकी ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट इज़ द बायो केमिस्ट्री हम इसको बायोलॉजी में भी स्टडी कर चुके हैं बायो Bio या बायोस मीनस क्या है लाइफ एंड केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं मैटर की कंपोजिशन एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज को या मालिक्यूल्स को स्टडी करते हैं इट मींस बायोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ टू स्टडी द मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मालिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री को मालिकुलर बायोलॉजी भी कहा जाता है इन द सेंस ऑफ बायोलॉजी लेकिन आपने सिर्फ अभी यहाँ पे बायो का मतलब ही याद रखा है इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम इसमें मैटर के या मालिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मालिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है शेप कैसी है कंपोजिशन क्या है वो मालिक्यूल किन एटम से मिलकर बना है उसके केमिकल रिएक्शन क्या है वो मालिक्यूल किन मज़ीद दूसरे मालिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकिन हम उन तमाम या सिर्फ उन मालिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस इसमें वो तमाम प्रोसेस भी आते हैं रिएक्शन भी आते हैं दैट टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहते हैं फॉर एग्जाम्पल सिंथिस एंड मेटाबोलिज्म ऑफ बायो मालिक्यूल्स बायो मालिक्यूल्स का बनना बायो मालिक्यूल्स मतलब वो मालिक्यूल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम की बाडी में पाए जाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स एक्सेट्रा ऑल दिज मालिक्यूल्स आर प्रजेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ़ बायो केमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसन मतलब हम बायो केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम इसको यूज़ करते हैं मेडिसन में मेडिसिन बनाने में क्योंकि मेडिसन जो है वो सेंथिसाइज की जाती है आर्टिफिशली इन द लेबॉर्ट्री तो वो मेडिसन मालिक्यूल्स की ही कंपोजिशन से बनाई जाती हैं फ़ूड साइंस फ़ूड साइंस में हम बायो केमस्ट्री को यूज़ करते हैं फ़ूड को प्रिजर्व करने के लिए आर्टिफिशियल फूड तैयार करने के लिए एंड एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फार्मर्स हैं वो अपनी फसलों में से कीड़ों को ख़त्म करने के लिए या पेस्ट पेस्ट को और इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं जो कि कैसे बनाए जाते हैं विद द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री को इस्तेमाल करके आपने इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना ये सारी डेफिनेशन आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद करनी है आपने ऐसे ही पेपर में लिखनी है आप हमें अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग